الحمد لله المتعالي المسح الواصفين ونعت الناعتين المستغني من التحميد والتمجيد المتبري من الإطلاق والتكجيد المتنزه عن كل صفات حتى التنزيه والصلاة والسلام على من شرفه الله بالتشريف العظيم والإكرام اللميم النبي الكريم بالزهراء محمد ثم الصلاة والسلام على وصيه وسهره مسيره ونسره ظهيره وظهره علي نبي المؤمنين وصل على بطول الطاهرة الصديقة التقية النقية المظلوم بعلها المكسور ذلها ولعنة الله على أعدائها وأعدائهم أجمعين من يوم العداوة إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صلاة سالسة نعرہ تکبیر خالق کا نام بڑا بلند ہے اور زبان جیسی عظیم نعمت خالق نے ذکر الہی کے لیے دی ہے کافی تعداد میں آپ صاحبان تشریف فرما ہے مل کے جواب دیں ماحول بن جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے باواز بلند صلوات پڑھ محمد میرے معزز و محترم بزرگ و دوستو خالق کائنات کی بے عیب اور لاعیب کتاب سے سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے سنت الہی یہ ہے طریقہ پروردگار یہ ہے کہ اللہ جب کسی آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت رکھتا ہے یا اس سے بہتر آیت رکھتا ہے اور اللہ ہر شے کے کرنے پہ قادر ہے اب اگر محسوس نہ فرمائیں تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ میں بھی اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں گا تاکہ جو میرے بزرگ میرے ساتھ ہیں اگر ہم مل جائیں گے بلا فصل کے ماننے والے فاصلے کے ساتھ بیٹھیں تو اچھی بات نہیں ہے مل کے نعرہ حیدری اللہ جب کسی آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پہ اس جیسی آیت رکھتا ہے یا اس سے بہتر آیت رکھتا ہے اور اللہ ہر شے کے کرنے پہ قادر ہے میرے بزرگ دوستو پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرما ہے مفہوم آیت
जो हमारे ज़हनी में है वो ये है कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वन्नास तक कुरान करीम की आयात को आयत कहते हैं। ऐसे ही है, बोले अगर आपको समझ आए, ऐसे ही है कि कुरान करीम की आयात को आयत कहा जाता है। लेकिन मैं आपको एक मंजिल आगे लेके चलना चाहता हूँ कि सिर्फ कुरान करीम की आयात को ही आयत नहीं कहते, बल्कि हर वो शय आयत है जो ज़ाते इलाही के वजूद पर दलालत करे। हर वो शय आयत है जो ज़ाते इलाही के वजूद पर दलालत करे। बग़ैर दलील के बात करने का आदि नहीं। तालिब इल्मों को पढ़ाता हूँ गुजरात जामिया में, तो कोशिश करता हूँ बात समझा के आगे चलूँ। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बसा औकात हमारी आदत हो जाता है किसी चीज़ को देखना, होती वो आयत है लेकिन हमारी आदत हो जाता है हम उसे आयत नहीं समझते। इस आदत को आयत में बदलने के लिए अल्लाह ने इंसान को मुतवज्जे किया कि देखो ये ज़मीन, हर रोज़ तुम इस पे चलते हो, तुम्हारी आदत है इस पे चलना, लेकिन है ये आयत। वो कैसे? कहा कि जब इसी ज़मीन में जलजिला आता है तो नमाज आयात वाजिब होती है या नहीं? यानी नमाज आयात तब वाजिब होती है जब जमीन में जलजिला आ जाता है। आम हवा चले तो आदत, तेज आंधी चले तो आयत। अच्छा ऐसे नहीं, मैं और इसे थोड़ा सा करीब करता हूँ, आसान करने की कोशिश करता हूँ। हर रोज मशरिक से आफ्ताब का तुलू करना उसकी आदत है, उंगली के इशारे से वापस पलटा लेना ये आयत। अच्छा ऐसे नहीं, और करीब करता हूँ थोड़ा सा, कोशिश करता हूँ कि आपका जहन मेरे साथ मिलते जाएं ताकि मैं अपने मकसद को आसानी तक आपसे मुंतकिल कर सकूं। आम आदमी का दो चार मन वज़्न उठा लेना ये आदत है, उंगली के इशारे से दरे खैबर उखाड़ देना ये आयत है। आम जमीन में अलम का गाड़ देना ये आदत है, पत्थर में अलम का गाड़ देना ये आयत है। जो जहन अभी भी मेरे साथ नहीं मिल सके, बैतुल्लाह में, खाना काबा में दरवाजे के जरिए से दाखिल होना ये आदत है, दीवारे काबा का शक होके दर बनना ये आयत है। माँ बाप के तवस्सुत से औलाद का पैदा होना ये आदत है, बगैर बाप के मरियम से ईसा का आ जाना ये आयत है। अच्छा ऐसे नहीं, फिर बदल लेते हैं। जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, मुझे समझ आएगी कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके सर के ऊपर से गुजर रही, मैं आगे नहीं चलूंगा। हम इंसानों में अगर कोई बगैर बाप के पैदा हो तो उसे क्या कहा जाता है? हरामजादा। इसका बाप कोई नहीं। हम इंसानों में अगर कोई बगैर बाप के पैदा हो तो हरामजादा कहलाता है। अंबिया में अगर कोई बगैर बाप के पैदा हो, माँ बतूल कहलाती है, बेटा रसूल कहलाता है। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी, खुदा करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, वो फरमाते होते थे कि दाद दे जाने वाली चीज़ हो जाती होती है, घर ले जाने वाली चीज़ नहीं होती।
और आप मुफ्त मजलिस ना सुने। कहते थे कि बंदे गए, तुम बंदा गया मजलिस में, घर आया बीवी के पास बैठा, उसने खाना दिया, खाना खाने से पहले कहता आज मैं मुफ्त मजलिस सुन के आया। हाँ भाई वो कैसे मुफ्त, तुमने तो मुफ्त ही सुननी थी। जाकर मौलवी जो है उनका खर्चा बानियान ने देना था, लंगर उन्होंने पकाना था, टेंट दरिया साउंड वाले सारे बानी जो है खर्च तो उन्होंने करना था, तुमने जाहिर मुफ्त ही सुनी। नहीं मैं मुफ्त सुन के आया, मैं तो कह रही मान रही हूँ बाबा मुफ्त सुन। फिर उसने जोर लगाया, नहीं मैं मुफ्त सुन के आया। बताओ कैसे? उन्होंने कहा जब तक मैं मजलिस में बैठा रहा हूँ ना मैंने नारा लगाया है ना मैंने सलवात पढ़ी। यानी ऐसी मुफ्त मजलिस आप ना सुन के जाइएगा, कुछ ले के जाइएगा और कुछ दे के जाइएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़्म ये कर रहा था कि हर वो शय आयत है जो ज़ाते इलाही के वजूद पर दलालत करे। आयत हजरत उज़ैर नबी ने देखी, सूरह बकरा पारा नंबर 3 आयत नंबर 258। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा। हजरत उज़ैर नबी हैं, गुजर रहे हैं एक बस्ती से, क्या देखा कि बस्ती जमीन बोस हो चुकी है, उसकी छतें जमीन के साथ मिल चुकी है। हजरत उज़ैर नबी ने बारगाह इलाही में देख कहा मेरा अल्लाह, काला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा। ऐ अल्लाह ये जो मर गए हैं इस बस्ती में छतों के नीचे आके तू इन्हें जिंदा करेगा? कुरान कहता है फअमातहुल्लाहु मिअता आमिन कि अल्लाह ने हजरत उज़ैर नबी को 100 वर्ष तक मौत दे दी। जब 100 वर्ष तक मौत दी सुम्मा बासाहू फिर उज़ैर नबी को जिंदा किया और पूछा उज़ैर कम लबिस्ता कितना अरसा मरा रहा है? उज़ैर नबी देख के फरमाते हैं लबिस्तो यौमन औ बाज़ा यौमन। कुरान पढ़ रहा हूँ, कोई हदीस नहीं, कोई रिवायत नहीं। कुरान कहता है कि उज़ैर नबी देख के फरमाते हैं ऐ अल्लाह एक दिन मरा रहा हूँ या एक दिन का कुछ हिस्सा। तो कहा ना एक दिन मरा रहा हूँ या एक दिन का कुछ हिस्सा मरा रहा हूँ। तो आवाज खालिक आई उज़ैर नबी लबिस्तो मिअता आमिन। ऐ उज़ैर नबी हमने तुझे 100 साल तक मारे रखा है। तब कहा ना हमने तुम्हें 100 वर्ष तक मारे रखा। अब उज़ैर नबी देख कहते अल्लाह 100 वर्ष की दलील क्या है? ये तो एक दिन की दलील है कि मैं मरा था जिंदा हो गया। अल्लाह देख कहते वंजुर इला ताअमिक व शराबिक लम यतसन्न। ऐ उज़ैर नबी अपना खाना भी देख पानी भी देख, लम यतसन्ना उसका रंग भी तब्दील नहीं हुआ, उसकी वू भी तब्दील नहीं हुई, उसका जायका भी तब्दील नहीं हुआ। जब कहा ना उज़ैर नबी इन तीनों सिफात में से इस खाने पानी की एक सिफ तब्दील नहीं हुई। उज़ैर नबी देख के फरमाते अल्लाह ये तो एक दिन की दलील है, तू कह रहे 100 वर्ष तक हमने तुझे मारे रखा। जब कहा ना 100 वर्ष की दलील क्या है? अब अल्लाह देख कहता है वंजुर इला हिमारे। ऐ उज़ैर नबी अपना गदा तो दिखा, गदा किधर है? अब उज़ैर नबी ने दाएं भी देखा, गदा नजर नहीं आया, बाएं देखा, गदा नजर नहीं आया। जब गदा नजर ना आया अब अल्लाह देख कहता है वंजुर इला हिमारिक अपना गदा देख,
नहीं नजर आ रहा अल्लाह, देखते आप देखना कैफा नुनशिज़ुहा व नक्सुहा लहमा, अब देखना कि हम इस गधे पे गोश्त कैसे चढ़ाते हैं और फिर इसको जिंदा कैसे करते हैं। हुक्म इलाही हुआ, इधर हड्डियां जो पड़ी हुई थी उन पे गोश्त चढ़ना शुरू हुआ। अब गधा हो गया तैयार। 100 वर्ष तक गधा नबी के पहलू में पड़ा रहा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, 100 वर्ष तक गधा नबी के पहलू में रहा, लेकिन जब उठा फिर गधे का गधा ही उठा। नारे हैदरी, ऐसा लगता है ना नारा, इनकी गनीमत है। ऐने बंदे चाहना सारा नारा होना चाहिए। नारे हैदरी।